प्रोटीन पाउडर एक डाइटरी सप्लीमेंट है जिसमें प्रोटीन्स हाई क्वांटिटी में होते हैं। ये प्रोटीन पाउडर ज्यादातर दूध, सोया, अंडा, चावल जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। ज्यादातर ऐसी चीजें इस्तेमाल होती है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। कई मैन्युफैक्चरर्स प्रोटीन के साथ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर प्रोटीन्स के सिवा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। जो प्रोटीन पाउडर्स में सारे जरूरी तत्व होते हैं उन्हें मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स कहते हैं। प्रोटीन पाउडर खाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी एज के लोग प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। छोटा बच्चा हो, नौजवान या फिर बूढ़े लोग हो, कोई भी प्रोटीन पाउडर का सेवन कर सकते हैं और हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर अवेलेबल रहते हैं। ज्यादातर जिन लोगों में प्रोटीन्स की कमी होती है उन्हें डॉक्टर प्रोटीन पाउडर खाने के लिए कहते हैं। कई बार हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन्स पूरी तरह मिलता नहीं है, इसीलिए प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स खाए जाते हैं। ये तो ठीक है कि प्रोटीन पाउडर्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, पर प्रोटीन पाउडर्स महंगे होने की वजह क्या है? कुछ दिनों पहले ये सवाल मैंने एक केमिस्ट शॉप के वहाँ सुना, जहाँ एक कस्टमर प्रोटीन पाउडर खरीदने आया था। मतलब वो इंसान प्रोटीन पाउडर की प्राइस सुन के शॉक रह गया था। फिर आप छोटा सा पैकेट खरीदेंगे तो भी उसकी प्राइस ज्यादा होती है, और छोटे पैक में पाउडर की क्वांटिटी भी काफी कम होती है जो एक महीने तक भी नहीं चलता है। अभी भी काफी लोग इस सवाल पे सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोटीन पाउडर्स इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालता है कि एक दिन में प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे? आखिर प्रोटीन पाउडर्स महंगे होने का रीजन क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन पाउडर्स महंगे होने की वजह क्या है, और ये भी बताऊंगी कि प्रोटीन पाउडर्स बनाने में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले देखेंगे कि प्रोटीन पाउडर कैसे बनाया जाता है, प्रोटीन पाउडर के उत्पादन में शामिल प्रक्रिया क्या है। फिर देखेंगे कि क्या कारण है कि प्रोटीन पाउडर काफी महंगी होती है। मार्केट में काफी अलग ब्रांड के पाउडर्स मिलते हैं, फिर चाहे आप अपने बच्चे के लिए खरीदें या फिर खुद के लिए, अलग अलग ब्रांड के प्रोटीन पाउडर्स आपके फेवरेट फ्लेवर्स में भी मिलते हैं। पर ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन पाउडर्स होल व्हीट फूड से बनाए जाते हैं। प्रोटीन पाउडर संपूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर काफी सारे खाद्य पदार्थों में से है प्रोटीन तत्वों को अलग करके बनाया जाता है। और सबसे जरूरी बात कि हर प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए अलग प्रक्रिया शामिल होती है। एक प्रक्रिया सारे प्रोटीन पाउडर्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, और शायद यही कारण हो सकता है कि प्रोटीन पाउडर महंगे हैं। देखते हैं कि प्रोटीन पाउडर के प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक और प्रक्रिया शामिल है। प्रोटीन पाउडर्स की प्रक्रिया के लिए तीन अलग टाइप के मेथड्स हैं: प्रोटीन कंसंट्रेट्स, प्रोटीन आइसोलेट्स और माइक्रो फिल्टरेशन एंड अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्रोटीन पाउडर्स की प्रक्रिया कैसे की जाती है। प्रोटीन कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेशन हाई हीट ड्राइंग प्रोसेस होती है जिसमें खाद्य पदार्थों से सिर्फ जरूरी प्रोटीन्स निकल जाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे अशुद्ध घातक को निकाला जाता है, जैसे कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज, जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और सिर्फ जो जरूरी प्रोटीन्स होते हैं उससे प्रोटीन पाउडर बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन्स अलग करने के दौरान संभावना है कि काफी प्रोटीन्स वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन पाउडर में सिर्फ 60-70% ही प्रोटीन्स होते हैं, और इस कारण ये प्रोटीन पाउडर की प्राइस रीजनेबल होती है। प्रोटीन आइसोलेट्स, इस मेथड में मेन आइडिया होती है कि मेजॉरिटी प्रोटीन्स को ओरिजिनल पदार्थों से अलग कर दिया जाए, और इस आइसोलेटिंग मेथड के लिए तीन अलग टेक्निक इस्तेमाल होती है: वाटर वॉश, अल्कोहल वॉश और आयोनाइजेशन टेक्निक। इन में से कोई एक टेक्निक से प्रोटीन पाउडर की प्रोसेसिंग की जाती है, और हर एक मेथड के लिए अलग खर्चा होता है। उसमें वाटर वॉश मेथड आयोनाइजेशन से थोड़ा चीप होता है। बाद में ये प्रक्रिया यहीं रुकती नहीं है, प्रोटीन्स को अलग करने के बाद फिल्टरेशन की प्रोसेस से गुजरते हैं। आइसोलेटेड प्रोटीन पाउडर में 90-95% की क्वांटिटी होती है, और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर्स भी रहते हैं। माइक्रो फिल्टरेशन एंड अल्ट्रा फिल्टरेशन, ये प्रक्रिया पानी की शुद्धि के लिए उपयोग की जाने वाली रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के समान है। पिछले प्रक्रियाओं की तुलना में ये प्रक्रिया ज्यादा पावरफुल है।
क्योंकि इसमें जो अशुद्ध घातक होते हैं उन्हें पूरी तरह से निकाला जाता है, सिर्फ जरूरत के प्रोटीन्स को रखा जाता है। इन प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से प्रोटीन पाउडर्स का उत्पादन किया जाता है और हर एक प्रक्रिया में वर्कर्स, मशीनरी और रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ती है, तो इन सब पे होने वाले खर्चा मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पे हाई प्राइस चार्ज करके करते हैं। इसके अलावा कई और रीजंस है जिस कारण प्रोटीन पाउडर्स महंगे मिलते हैं। अब वो रीजंस ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इम्पोर्टेड प्रोटीन पाउडर अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं और इसीलिए उनकी कीमत बढ़ जाती है। कई कस्टमर्स महंगे प्रोटीन पाउडर खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए जब लोग महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये देख के कंपनी वाले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते जाते हैं। जब प्रोटीन पाउडर्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो उस प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भी इंक्लूड होते हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा और बढ़ जाता है। तो आज हमने देखा कि प्रोटीन पाउडर्स कैसे बनते हैं और उसमें कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है और इन कारणों के कारण प्रोटीन पाउडर्स महंगे मिलते हैं। प्रोटीन पाउडर्स इंडिया में भी बनाए जाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि इम्पोर्टेड ब्रांड ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं, फिर वो महंगे हो तो भी खरीदने जाते हैं। और इसीलिए जितना प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है उतना प्राइस भी बढ़ता है। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।